गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, लेसन 3 संज्ञा। सबसे पहले हम लोग संज्ञा के विषय में जानेंगे कि संज्ञा क्या है। यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मोहन, रांची, आम, हाथी। आपको पता चल रहा है कि ये किसी न किसी चीज के नाम है, जैसे मोहन किसी व्यक्ति या लड़के का नाम है, रांची यानी स्थान का नाम है, आम यानी कि फल का नाम है, और हाथी तो सभी कुछ जानते हैं, हाथी एक मोटा सा जानवर है, उसका नाम है। तो संज्ञा नाम शब्द है और सभी अपने अपने नाम के द्वारा पहचाने जाते हैं और उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन्हीं नामों के आधार पर हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, यानी संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अभी आप लोग नीचे क्लास में 3 ही भेद को पढ़ेंगे और ऊपर क्लास में जाने के बाद आपको 5 भेद संज्ञा के बताए जाएंगे। वो 5 भेद होंगे, पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और चौथा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा एंड 5वां होगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही 2 भागों में बांट दिया गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में, जो कि आगे चलकर हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इन 3 भेदों के विषय में जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का पहला भेद हम लोग देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम व्यक्तिवाचक, यानी कि सिर्फ इसमें व्यक्तियों के नाम ही नहीं आएंगे बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम भी आएंगे। इस तरह से हम संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष चीज, विशेष स्थान या विशेष जगह का बोध कराते हैं उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ व्यक्ति के ही नाम नहीं आएंगे, वस्तुओं के भी नाम आएंगे और स्थान के भी नाम आएंगे। जैसा कि आपकी किताब में पेज नंबर 17 में व्यक्ति के नाम में दिया हुआ है, सचिन तेंदुलकर, जाकिर हुसैन, अमिताभ बच्चन, ये एक विशेष व्यक्ति है, यानी ये विशेष व्यक्ति है जिनका नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। उसी प्रकार पेज नंबर 18 में आप देखेंगे स्थान के नाम,
स्थान के नाम में आपका दिया हुआ है बिरला मंदिर, हवा महल, राष्ट्रपति भवन। अब आपको लग रहा है कि ये तो जगह का नाम नहीं है, लेकिन ये इमारत का नाम है और इमारत के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं और ये इमारत हमको उस जगह उस स्थान का बोध कराते हैं। इसके अलावा हम स्थान में आप रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई भी लिख सकते हैं। अब वस्तुओं के नाम में जैसे आपका दिया हुआ है अलमारी, बस्ता, कलश, तो ये विशेष वस्तुओं के नाम है। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, इसमें आप व्यक्ति के नाम में अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं। वस्तु में किसी भी वस्तु चीज का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे फल का नाम, फलों के नाम में आम लिख सकते हैं, केला लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं। स्थान के नाम में आप रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई के अलावा इमारतों के नाम जैसा आपके किताब में है बिरला मंदिर, हवा महल और राष्ट्रपति भवन, क्योंकि ये स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके अलावा देश, पर्वत, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे पुस्तकों के नाम में आएगा रामचरितमानस, सुरसागर, रामायण, गीता, बाइबल, इस तरह से। नदियों के नाम में आएगा गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि, यानी जितने भी नदियों के नाम आएंगे वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली, रॉकी, विंध्याचल आदि पर्वतों के नाम आएंगे। इसके अलावा विभिन्न देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, रूस इत्यादि। ये सभी यानी कि विशेष नामों को बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं या लिख सकते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण यानी पूरी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह, स्थान का बोध कराते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द किसी पूरी जाति, पूरे पदार्थ, पूरे प्राणी या पूरे समूह या पूरे स्थान का बोध कराते हैं उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति, जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं लड़का, लड़का, लड़का कहने से एक पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी सब पूरे लड़कों का बोध हो रहा है। इसमें किसी विशेष लड़का को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है। यदि नाम रहता तो हम कहते हैं कि हाँ वो एक विशेष नाम है, और यहाँ पर सिर्फ लड़का शब्द है, यानी कि वो पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। इसलिए ये क्या हुआ, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लड़का शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार हम लिखेंगे पशु, पशु, पशु कहने से कौन सा पशु, कैसा पशु, हमको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। पशु यानी सभी जानवर,
सभी जानवर का बोध करा रहा है पशु शब्द। यदि हम हाथी बोलते, यदि हम घोड़ा बोलते तो हाँ अरे घोड़ा के विषय बात हो रहा है, हाथी के विषय बात हो रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ पशु बोल रहे हैं, यानी कि पूरी जानवरों जानवर की जाति का बोध करा रहा है, पशु जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से पदार्थ, पदार्थ में हम ले लेते हैं सब्जी या फल। सब्जी में कौन सा सब्जी, हम सभी को मिलाकर सब्जी कहते हैं, आलू प्याज टमाटर गोभी बैंगन सभी को मिलाकर हम सब्जी बोलते हैं, तो वो पूरा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, संपूर्ण पदार्थ का बोध करा रहा है। तो उसी प्रकार से हो गया पदार्थ में सब्जी, चाहे फल, फल में बहुत सारे फल हैं, आप खाते भी हैं, तो कौन सा फल, फल पूरे फल जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से प्राणी, प्राणी में जैसे हम बोलेंगे मानव या फिर स्त्री या घोड़ा या गाय, प्राणी में आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पशु में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, सभी जानवरों का बोध हो रहा है, तो प्राणी कहने से प्राणी के नाम भी इसमें आ जा रहे हैं, घोड़ा हाथी जातिवाचक के उदाहरण हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हाथी कहने से पूरे हाथी का समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि हम घोड़ा को हाथी नहीं बोल सकते हैं, गधा को हाथी नहीं बोल सकते हैं, जिराफ को हाथी नहीं बोल सकते हैं, हाथी कहने से हमको वो सारे हाथी का समूह याद आता है, इसलिए प्राणी के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। समूह, समूह यानी कि झुंड, झुंड को बोध कराने वाले शब्द आएंगे, जैसे सेना, सेना, सेना में एक सिपाही नहीं होता, पूरी सेना होती है ना, तो इस तरह से समूह, सेना समूह का बोध करा रहा है। उसी प्रकार सभा, कोई भी सभा, सभा में एक व्यक्ति नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सभा में बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड रहता है, तो सभा भी समूह का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से स्थान, यहाँ पर स्थान को बोध कराने वाले नाम नहीं आएंगे, जैसा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया था, दिल्ली मुंबई पटना रांची, ये नहीं आएंगे, वो तो नाम है, विशेष नाम है। स्थान को बोध कराने वाले शब्द आएंगे, जैसे शहर नगर प्रांत जिला खेत मैदान पार्क, ये सब स्थान को बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द, यानी पार्क, कौन सा पार्क, कौन सा पार्क घूमने गए थे, यदि आप वहां पर नाम लेते हैं, पार्क का नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन यदि आप सिर्फ पार्क शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इस तरह से जातिवाचक हमको संपूर्ण पूरी जाति, पूरे पदार्थ, पूरे प्राणी समूह और पूरे स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपके किताब में पेज नंबर 18 में भी कुछ उदाहरण है, जैसे जाति के नाम में पुरुष स्त्री मानव पशु, वर्ग के नाम पुलिस वकील डॉक्टर अध्यापक, पशु पक्षियों के नाम तोता हिरण सांप कोयल, रिश्तों के नाम दादा दादी माता पिता भाई बहन चाचा चाची, यानी ये सभी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये भी जातिवाचक के उदाहरण हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में कैसे शब्द आएंगे, जो संज्ञा शब्द किसी भाव गुण दोष भी हो सकता है, गुण दोष अवस्था दशा का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द
किसी भाव गुण दोष अवस्था दशा का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव, आदमी कभी बहुत खुश होता है या दुखी होता है, यानी कि वो भाव वो प्रकट करता है, उस भाव को हम कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम बहुत जैसे रोता हुआ देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो दुखी है, और यदि वो खुश है, हंस रहा है, सभी से ठीक से व्यवहार कर रहा है तो हम सोचते हैं कि वो खुश है। तो ये भाव हो गए, यानी कि भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाव का उदाहरण हो गया खुशी उदासी, जिसे कि हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार गुण, गुण का उदाहरण हो गया ईमानदारी बेईमानी। हर व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण और बुरे गुण होते हैं। जो अच्छा है वो उसे हम कहेंगे अच्छा या बुरा, या फिर ईमानदार या बेईमान। तो गुण और दोष, ईमानदारी गुण हो गया और बेईमानी दोष हो गया। उसी प्रकार से अवस्था का उदाहरण हो गया बचपन जवानी बुढ़ापा अमीरी गरीबी, ये सब अवस्था के उदाहरण हुए। दशा लंबाई चौड़ाई या फिर टूटी हुई कुर्सी, यदि हम कुर्सी की दशा बता रहे हैं तो टूटा हुआ कुर्सी या तो उसकी दशा को हम बता रहे हैं। उसी प्रकार किसी की लंबाई या चौड़ाई उसकी दशा को बतलाता है। तो ये सारे उदाहरण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आपकी किताब में भी कुछ गुण और दोष के नाम बताए गए हैं, जैसे मिठास। मिठास स्वाद है, ये भाव में आएगा, क्योंकि हम उसे चखते हैं किसी भी चीज को तो उसे सिर्फ हम महसूस करते हैं। बहादुरी खट्टा क्रोध, क्रोध तुम्हारा आ जाएगा दोष में। उसी प्रकार अवस्था के नाम यहाँ पर दिया हुआ है बचपन बुढ़ापा उजाला सर्दी। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी भाव गुण अवस्था दशा का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा सबको समझ में आ गया होगा। आप किताब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा को समझेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी कॉपी में बनाएंगे।